हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो मैं जी आर लोधी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ ये है सूरज कुंड, और मेरे साथ पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैं आज आप लोगों को घुमाने वाला हूँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मौजूद है सूरज कुंड के अंदर नज़दीकी लोकेशन है, जो कि हमारे घर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मैं आज आ गया हूँ वहाँ पर और अब मैं आप लोगों को घुमाने वाला हूँ पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहले मैं आप लोगों को लोकेशन बताता हूँ कि यहाँ के आने की लोकेशन क्या है। तो ये जो रोड देख रहे हैं आप लोग, ये रोड जाता है अपना तुगलकाबाद फोर्ट के लिए। तो तुगलकाबाद फोर्ट से अगर आप लोग आते हो तो वहाँ से आप लोगों को राइट लेना पड़ेगा, और उसके बाद में आप लोग तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आने के बाद में राइट साइड में ये सेंचुरी पड़ जाती है। और अगर आप लोग सूरजकुंड साइड से आते हो तो ये रोड जाता है सूरजकुंड और फरीदाबाद के लिए। तो अगर आप सूरजकुंड साइड से फरीदाबाद से आते हो तो वहाँ से आने पर आप लोगों को जो ये इसकी लोकेशन है वो लेफ्ट साइड में पड़ेगी। तो आइए अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर से इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये है यहाँ का मेन गेट जिससे हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, और अब आ गए अंदर की तरफ। और जैसे ही आप लोग एंट्री करोगे उसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को टिकट काउंटर पड़ेगा, और इसी लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी पार्किंग। सो गाइस ये है यहाँ का टिकट काउंटर। तो भाई अभी फॉर्म भर रहा है, ये फॉर्म फिल कर रहा है भाई। सो गाइस अपनी टिकट आ गई है, ये देखिए ये है टिकट, और टिकट का प्राइस जो है वो 10 रुपये पर हेड है। और अगर आप लोग कैमरा लेके आते हो तो कैमरे का प्राइस भी 10 रुपये और पार्किंग का प्राइस भी 10 रुपये, चाहे आपकी बात 2 व्हीलर गाड़ी हो या फिर 4 व्हीलर को। और ये सामने है टिकट काउंटर, और इसी के राइट साइड में ये पार्किंग है इसके पीछे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। बस ये मैं आ गया हूँ पार्किंग एरिया में। ये है यहाँ की पार्किंग एरिया, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इसका जो पार्किंग का एरिया का जो प्राइस है पार्किंग का, चाहे आपके पास 2 व्हीलर बाइक है, 2 व्हीलर है, चाहे आपके पास 4 व्हीलर है, उसकी सिर्फ सबकी जो चार्जेस हैं वो सिर्फ 10 रुपीज़ हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये है आप लोगों का बटरफ्लाई पार्क, तो इसके अंदर भी चलेंगे। और पहले आप लोग चलते हैं उस साइड में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से साइकिल ट्रैक भी हो। और ये जो ट्रैक है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का है, तो पूरा कवर करेंगे, और क्या है इसके अंदर वो सब कुछ चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं अब अंदर की तरफ। सो गाइस ये है यहाँ का बोर्ड मैप लगा हुआ है, और इसी के सामने ये जाती है यहाँ पर झील जो है, ये ना ये नीली झील है यहाँ पर, ये तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये एंट्रेंस जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देख रहे हैं ना दोस्त क्या शानदार है। सो गाइस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं बटरफ्लाई पार्क। सो गाइस देखिए पहली हम लोगों को बटरफ्लाई मिल गई, देखा ना व्हाइट कलर की ये गई है, ये देखिए बैठ गई। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर की तरफ। सो गाइस देखिए ये दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा है फैक्ट अबाउट बटरफ्लाइज। तो देखिए और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये है अंदर जाने का रास्ता, और इसी के साथ में यहाँ पर सिटिंग पोर्शन देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा सिटिंग पोर्शन है। और अगर आप लोग आते हो यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर आकर बैठ कर इंजॉय कर सकते हो, और अपनी फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हो। तो देखिए कितना सुंदर कितना शानदार बनाया हुआ है यह सिटिंग पोर्शन है यहाँ का। तो गाइस आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत ही पुराना और बहुत ही शानदार ब्रिज मिला हुआ है, जो कि फर्नीचर से बना हुआ, मतलब लकड़ियों से बना हुआ ब्रिज है। छोटा सा ही है मगर देखने में काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और बताया जाता है कि ये जो ब्रिज है वो बना है पूरा का पूरा शीशम की लकड़ी से, जो कि अभी तक यहाँ पर मौजूद है, और इसमें अभी भी कोई मतलब लकड़ी ख़राब नहीं हुई है। तो देखिए ये
अभी अभी तो स्टार्टिंग हुई है, काफ़ी अच्छा पार्क है, चारों तरफ हरियाली और शांति का माहौल बना हुआ है पूरी तरफ, जो कि आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा होगा वीडियो में। और देखिए अब हम आ पहुँचे हैं, ये आपका बम्बू का पेड़ है देखिए ये सामने, और जो भी मोस्टली चीज़ें हैं यहाँ पर जो बनी हुई हैं ना, ज़्यादातर बम्बू से ही बनी हुई हैं, मतलब कि ये बांस से ही बना हुआ है, जैसे कि ये डस्टबिन वगैरह है। अगर आप कुछ खाना पीने का सामान लाते हैं और तो वेस्टेज जो सामान रहता है उसको आप लोग इस टाइप के डस्टबिन में डाल सकते हो। और आप देखिए एक बोर्ड और मिल गया है, ये पर आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ अ बटरफ्लाई, देखिए कितना शानदार बटरफ्लाई है ना, तो ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार प्लेस है। और गाइस देखिए जैसे जैसे देख पा रहे होंगे हम लोग, हर पेड़ के ऊपर ऐसा नाम लिखा हुआ है, जो भी पेड़ जैसा भी है, अमलतास का पेड़ है ये, और ऐसे ही बहुत सारे जो भी पेड़ है यहाँ पर उन सब पर ऐसे ही स्टिकर लगाए हुए हैं। देखिए एक वो लगा हुआ है उस पेड़ पर है, और ऐसी टाइप के जैसे भी जो भी आपको पेड़ मिलेंगे उन सब पर ऐसे ही स्टिकर लगाए हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को पता लग सके कि क्या कौन सा पेड़ किस चीज़ का है। और गाइस इस पार्क की मुझे एक बात अच्छी लगी, जैसे कि आप लोग 200 मीटर 500 मीटर जैसे ही कवर करेंगे उसके बाद आप लोगों को ऐसी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये शौचालय बना हुआ है, मैंने टॉयलेट बना रखे हैं यहाँ पर, और हर जगह डस्टबिन और सिटिंग पोर्शन बना रखा है पूरा का वुडन का, देखिए जैसे ये बना हुआ है ना वुडन का बना हुआ है सिटिंग पोर्शन, और ऐसे ही हर जगह मिलेगा, देखो आपको आगे भी ये बना हुआ है ऐसे ही इस पार्क के अंदर, हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरीके से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार प्लेस है। देखिए आगे आ गए हम, यहाँ पर भी सिटिंग पोर्शन बन दिया गया बनाया हुआ है पूरा, यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है, और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ये वुडन का अपना बना हुआ है सेटिंग पोर्शन, देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर, और आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी शानदार बनाया हुआ है, हर 500-100 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए ये जो आप लोगों को ये पत्ता दिखाई दे रहा है, ये लीव्स जो है ये वाटर प्रूफ है, ज़्यादातर ये पहाड़ों में पाई जाती है, और देखिए ये पानी बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, ऐसे आप लोगों ने अबीवा देखा होगा ना उसकी तरह, अगर डिवाइड भी हो जाएगा ना ये तब भी ये एक ही जैसा रहेगा, कहीं पत्ता गीला नहीं होगा, देखिए एकदम मोती की तरह डायमंड जो होता है ना डायमंड उसकी तरह है ये, देखिए पानी। सो गाइस देखिए कितने शानदार फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिए पेड़ देखिए, आप लोग कोई कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने ऐसा फ्लावर्स देखा है या ऐसा ट्री देखा है जिस पर इस टाइप के फ्लावर्स लगे हुए, देखिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार है देखिए। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी सुंदर पार्क है, यदि आप लोग यह दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं तो इस पार्क के अंदर ज़रूर विजिट कीजिए, काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है ये पार्क। और अगर आप भागदौड़ भरी और क्राउड भरी दुनिया से अलग एक शांत वातावरण चाहते हैं, शांत माहौल चाहते हैं, और आप लोग नेचर लवर हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर है, तो आप आइए यहाँ पर। मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा तो आप लोग एक वन टाइम विजिट कीजिए अपनी फैमिली के साथ, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा ये गार्डन जो है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको काफ़ी सुंदर और काफ़ी पसंद आने वाली है, तो काफ़ी सुंदर है। और अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ और भी देखते हैं और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो देखिए कितना सुंदर और कितनी शानदार प्लेस है ये, देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी आपको। तो गाइस जैसा कि इस पार्क का नाम दिया गया है बटरफ्लाई पार्क, तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 5 से 7 बटरफ्लाई देखने को मिली है, वो भी डिफरेंट कलर्स में, अब भी आइए और आप भी देखिए, और काफ़ी सुंदर और काफ़ी शांत वातावरण वाला भरा पार्क है ये। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ एक बहुत ही शानदार प्लेस में, और आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, तो ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाटर लाइफ के पूरा का पूरा यहाँ पर बनाया गया आकृति बनाई गई है, तो देखिए ये देखते हैं किसकी है, मतलब ये टीम की है, मतलब लोहे की आकृतियाँ बनाई गई हैं, बड़ी छोटी हर तरह की बटरफ्लाई है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, और ऐसे ही आगे है पूरे पार्क के अंदर ऐसी बटरफ्लाई देखने को मिलेंगी, और रियल बटरफ्लाई भी हैं जिसकी वजह से इस पार्क का नाम बटरफ्लाई पार्क रखा गया है। सो गाइस देखिए जिस अभी लोकेशन में मैं खड़ा हूँ ये बोर्ड लगा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज, तो मतलब कि बटरफ्लाई का पूरा पूरा जीवन चक्र दिखाया गया है, कैसे ये बनती है, मतलब कैसे पैदा होती है, किस स्टेज पर क्या होता है, किस स्टेज पर पूरा का पूरा ये दिखाया गया है बाकायदा पिक्चर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ में।
तो गाइस देखिए यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, तो ये पूरा बोर्डन से बना हुआ है। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, ये ऑफिस ऑफ द डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट साउथ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो ये फ़िलहाल हाल ही में बना हुआ है, पहले तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये यहाँ पर हेल्प डेस्क दी गई है, और देखिए और इसके ऊपर जाने के लिए ये जीना है। जैसे गांव में पूरा ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, पूरा बम्बू का बनाया हुआ है और ऊपर से फूस डाल रखा है, जैसे कि गांव में नहीं डाले होते थे उस टाइप से बनाया हुआ है। आप लोग यहां पर आकर ये एनिमल्स को देखना चाहते हैं तो ये अभी यहां पर बंद है, और ये ओपन होगा जनवरी तक, और उसके बाद में इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो इसकी जो प्राइसिंग है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने की, तो वो है 500 रुपये पर हेड, मतलब 500 पर हेड है। और उसमें भी आप लोगों को अपना व्हीकल खुद ही लाना पड़ेगा, मतलब आप लोग अपने व्हीकल से ही घूम सकते हैं यहाँ पर। ना कोई आपको व्हीकल मिलेगा और ना ही कोस्ट कार्ड वगैरह मिलेगा आपको, सिर्फ आपको टिकट कटानी है और आपको अपने घूमिए। सो गाइस अभी आ गया हूँ मैं सेकेंड पार्ट के अंदर। अभी हम लोग घूम रहे थे बटरफ्लाई पार्क, और अब मैं आ गया हूँ अरावली फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट केंद्र के अंदर। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, और अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि केस के अंदर क्या है। और बेसिकली ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बटरफ्लाई पार्क है, ये आपका अरावली ये फॉरेस्ट है, और एक अरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है। तो वहाँ पर नहीं, अभी बंद है, वहाँ पर परमिशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, ये वो ओपन है और वहाँ पर सारे जितने भी जानवर हैं सारे ओपन हैं, तो वहाँ वो खुलेगा जनवरी से। तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ जिधर। तो यहाँ पर जैसे ही एंट्री करोगे वैसे ही आप लोगों को ये आउल्स ऑफ अरावली के बोर्ड नज़र आएगा, जिसमें आपको इस टाइप की प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। यहाँ पर उल्लू देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं हम भी घूम के यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है अपन लोगों को। सो गाइस देखिए आप लोगों को ये सामने देख रहे हो ना, ये है यहाँ पर कमल की पौध लगाई गई है। देखिए कमल, अभी तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, बट ये कुछ आने वाले समय में आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर कमल के फूल्स यानी फ्लावर्स देखने को मिल जाएँ। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार है। और आप देखिए कितनी छोटी छोटी बूंदें हैं, ये रात की ना जिसको बोलते हैं ओस। देखिए कितनी छोटी छोटी बूंदें देखने को मिल रही हैं, कितना ऐसा लग रहा है कि डायमंड लगा रखे हैं यहाँ पर, डायमंड नहीं होते उस टाइप से। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड मिला है मेडिसिन प्लांट्स ऑफ अरावली, यहाँ पर ये पौधे हैं कुछ, देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग को शायद पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग ये पौधे जो हैं कौन कौन सी मेडिसिन, किस किस काम में आते हैं ये पौधे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। सो गाइस देखिए यहाँ पर जानवरों के लिए बाउल्स में पानी वगैरह रखा गया है, और यहाँ पर बर्ड जो भी आते हैं पक्षी वगैरह उनके लिए, देखिए यहाँ पर ये पेड़ों पर ये घर बनाए हुए हैं, इस टाइप के घर बनाए हुए हैं, यहाँ पर आके वो लोग रुकते हैं। और शायद इसके अंदर है या नहीं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर से कुछ भी नहीं है, शायद अंधेरा बहुत अंधेरा पड़ा हुआ है। और इसी टाइप से ऐसे हर पेड़ों के पास कुछ 10 कदम 20 कदम के पास आप लोगों को इस टाइप का ये बर्ड हाउस में देखने को मिलेंगे। तो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है एक रेस्टोरेंट था कुछ समय पहले जो कि अभी बंद हो गया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए इसकी कंडीशन देखने से लगता है कि ये रेस्टोरेंट रहा होगा पहले, जो कि बीच में बंद हो गया है। देखिए है ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो है कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था इस पार्क को, और फिर से ओपन कर दिया गया है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा है ना। तो आप आइए यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार प्लेस है। तो आप चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, अब देखते हैं यहाँ पर और कुछ है या नहीं है। तो गाइस ये जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो ये है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो इसके अंदर आप लोगों को ट्रैक मिलता है, साइकिल ट्रैक, जो कि आपका 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आप लोग अपनी अगर साइकिल है आपके पास तो आप लोग यहाँ भी ट्रैक कर सकते हैं, बट हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो विदाउट साइकिल यहाँ पर अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास साइकिल है तो ही आप लोगों को परमिशन मिलेगी,
और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को इस ब्लॉग में क्या अच्छा क्या बुरा लगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।